सिरोंज के ग्राम दीपना खेड़ा में फसलों की सर्वे की मांग को लेकर किसान नेता सुरेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में किसानों ने एक घंटे तक जल सत्याग्रह किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में सर्वे कराकर राशि नहीं डाली गई तो चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं किसान ने कहा कि पूर्व में भी सिरोंज में ज्ञापन दिया जा चुका है, हर बार आला अधिकारी झूठा आश्वासन देते हैं, बस काम नहीं किया जाता है। अधिक बारिश होने के कारण खराब हुई उड़द और सोयाबीन की फसलों का सर्वे गांव में प्रारंभ नहीं हुआ है, ना ही बीमे का पैसा दिया गया है, जिससे किसान परेशान है। अगर यही हालत रही तो देश का अन्नदाता अपना और अपने परिवार का लालन पालन कैसे करेगा। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगुनी करने की बात तो करते हैं, परंतु धरातल पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दिखाई देती है जिससे कि किसानों को राहत मिले। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। आज कुछ किसान और ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है पुलिस प्रशासन के नाम पे, जिन्होंने बताया कि इनकी फसलें खराब हो गई, जिनका तत्काल सर्वे किया जाए। इस संबंध में अपनी मांगों के तहत उन्होंने एक ज्ञापन पेश किया था, जिसको लेकर उनसे लिया गया है। इसमें आप बड़े अधिकारी वगैरह कोई नहीं आए तहसील वगैरह से, इसमें क्या सूचना दी गई थी इसमें आंदोलन की? इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जो पुलिस मौके पर आई थी। प्रशासनिक अधिकारियों में पटवारी आए थे और अन्य कर्मचारी के संबंध में वही लोग आए थे। आज आपके द्वारा जो हमारे संपूर्ण क्षेत्र के किसानों की फसलें उड़द और सोयाबीन की नष्ट हो गई हैं। हम लोगों ने कई बार सिरोंज में ज्ञापन दिए, परंतु प्रशासन द्वारा हमें हर बार झूठा आश्वासन दिया गया कि हम फसलों का सर्वे कराएंगे। आज दीपना खेड़ा में आसपास के सभी गांवों के किसानों ने इकट्ठा होकर ये सर्वे की मांग को लेकर जल सत्याग्रह किया है और ये चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के अंदर यहाँ पर सर्वे नहीं कराया गया किसानों के खेतों में जाकर और उनको मुआवजा और बीमे का लाभ नहीं दिलाया गया तो 3 दिन बाद यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। और मैं प्रशासन से सब किसानों की ओर से मांग करता हूँ कि 2020 का बीमा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है, वो तत्काल किसानों को बंटवाया जाए ताकि उनकी जो आर्थिक हालत ख़राब हो रही है वो सुधर सके, अगली फसल की किसान अपनी तैयारी कर सके। और 2019 का जो एक हमारी किस्त रह गई है राहत राशि की मुआवजे की, वो भी किसानों के खाते में तत्काल डलवाई जाए। तहसील कार्यालय से कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर नहीं पहुँचे, सूची किसानों की आवाज़ को हर जगह दबाया जा रहा है, अधिकारी किसानों को उसकी वजनदारी से लेते ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं किसान आए हैं और चिल्लाकर चले जाएंगे, उन्हें ये पता नहीं है कि किसान उनकी नाक में दम कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।